गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट एसिड्स, टाइप ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड मिनरल्स, या फिर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ओके, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट, टू टाइप्स, कंसेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट तो वही है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये क्या हो सकते हैं? वाटर के अंदर इजिली सोल्यूबल हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हो, जैसे आप मिल्क में एसिड होते हैं तो मिल्क में अगर आप वाटर ऐड करो तो क्या हो जाएगा? इजिली डिजोल्व हो सकता है, सोल्यूबल हो सकता है। या फिर आप अगर लेमन जूस है, लेमन जूस को आप मिक्स करो किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो लेमन जूस के अंदर कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड है, हमने कल रीड किया था। तो सिट्रिक एसिड क्या हो जाएगा? इजिली डिजोल्व हो सकता है वाटर के अंदर। ठीक है, तो हमारे ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड। क्या करते हैं? जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है, देखो ऐसे कलर का होता है हमारा ब्लू लिटमस पेपर, तो ये क्या करते हैं? जो ब्लू पेपर होता है, मतलब जैसे एक पेपर की स्ट्रिप कट कर लो आप, ऐसे स्ट्रिप बना लो उसकी, कुछ इस तरीके से होता है हमारा। जैसे इसका कलर वाइट है बट उसका कलर कैसा होता है? ब्लू। तो जब आप एसिड का सॉल्यूशन लोगे, ठीक है, एसिड का सॉल्यूशन कैसे कि कोई भी आपके पास एसिड है, सपोज करो आप लेमन से ही लेमन जूस एक्सट्रैक्ट करके क्या करो, उसके अंदर हल्का सा वाटर ऐड कर दो। ठीक है, जब आप क्या करोगे, जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, उसको डिप करोगे किसके अंदर? उस एसिड के अंदर, उस जो हमारा सिट्रिक एसिड है या फिर लेमन जूस है उसके अंदर जब आप ऐड करोगे तो ब्लू लिटमस पेपर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमने कल रीड की थी, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, एसिड्स कैसे होते हैं? कोरोसिव होते हैं नेचर में। देखो, दे कैन कोज बर्न्स ऑन क्लोथ्स एंड स्किन्स, यानी एसिड आपके मतलब स्किन को तो हार्म करता ही करता है। इवन अगर आपके क्लोथ्स के ऊपर भी गिर जाए तो उनको भी क्या कर देगा? बर्न कर देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉट वीक, ओनली स्ट्रॉन्ग। दे कैन ऑल्सो डैमेज अदर मटेरियल सच एज सर्टेन मेटल्स, दिस इज वाई एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स। कि एसिड्स हमारे क्या कर देते हैं? कुछ मटेरियल्स को भी क्या कर देते हैं? स्पॉयल कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए हम जो हमारे एसिड्स होते हैं उनको हम सिर्फ किस में स्टोर करके रखते हैं? ग्लास बॉटल्स में। ओके, तो ये सारा हमारा इम्पोर्टेंट मतलब वैसे तो ये प्रॉपर्टीज हम कॉमनली सारे स्टडी कर चुके हैं पीछे। ठीक है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। ये प्रॉपर्टी हमने अभी तक स्टडी नहीं की है, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ। ओके, आप देखो इनको, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हमारी, देखो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या इंडिकेट करी है कि जब हम क्या करते हैं किसी भी मेटल के अंदर, ठीक है, मेटल के अंदर हम क्या करते हैं? एसिड मिक्स करते हैं। जिंक इज ए मेटल। ओके, जिंक क्या हमारी एक मेटल है, ठीक है, प्लस इसके अंदर हमने क्या मिक्स किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने कल भी स्टडी किया था हाइड्रोक्लोरिक क्या है, हमारे एक एसिड है, कल भी स्टडी किया था हमने, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl। ओके, HCl। और जिंक का क्या होता है? Zn। ठीक है, इसका सिंबल होता है हमारा Zn और ये क्या होता है? हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम दोनों के मिक्स करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है हमारा? जिंक क्लोराइड। क्या फॉर्म होता है हमारा? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड कैसे? देखो, जिंक का फॉर्मूला क्या होता है? जेड एन, और क्लोराइड का क्या होता है? सी एल। ठीक है, जेड एन सी एल टू प्लस टू मोलिक्यूल्स मिलेंगे हमें यहाँ क्लोरीन के, वो बैलेंसिंग इक्वेशन आपकी मतलब फिफ्थ चैप्टर दोबारा फिर बाद में बताएंगे आपको बैलेंसिंग करनी, आगे हायर क्लासेज में आते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। वैसे भी चलो देख ही लो, देखो यहाँ पे क्या है, क्या बोला इसने? जेड एन सी एल टू, बट यहाँ पे हमारे क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे हमें एक ही मॉलिक्यूल मिल रहा है, एक हाइड्रोजन है, एक क्या हमारा क्लोरीन प्रेजेंट है। बट अगर हम इसको यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अब जैसे मैथ में होता है 2a+b, है ना, ये फॉर्मूले होते हैं। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई a के साथ भी करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई b के साथ भी करेंगे, यही होता है। ऐसे ही हमारा इसमें होता है, देखो सपोज करो ये हमारा कहाँ है? ब्रैकेट से बाहर ही है, वैसे ब्रैकेट हम यहाँ शो नहीं करते बट होता है ऐसे ही है। देखो जैसे हमने क्या किया, यहाँ ब्रैकेट शो नहीं की
मतलब यहाँ लेकिन बार टू प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, टू की मल्टीप्लाई एच के साथ भी करेंगे और सी एल के साथ भी करेंगे। तो पहले तो हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स था, बट हमने अगर मल्टीप्लाई कर दी टू की मल्टीप्लाई वन के साथ कर दी तो क्या आएगा, टू। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं, टू। ऐसे सेम क्लोरीन के भी क्या उसके हो चुके हैं, टू, बिकॉज पहले वन ही था। तो ऐसे ही इस साइड भी क्या है, जेड एन सी एल टू। और हमने ये सब यहाँ टू से मल्टीप्लाई किस लिए किया, बिकॉज यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें, टू मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, टू मॉलिक्यूल्स ही ऐड करने पड़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तभी क्या मिलेंगे हमें यहाँ सी एल के टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। प्लस क्या देते हैं वो, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, अब एच टू। अब हम यहाँ अगर टू मॉलिक्यूल्स ना लेके चलते तो हमें एच टू नहीं मिल पाता, तो इसलिए हमें यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स लेके चलने पड़ते हैं, टू। मतलब जितने नंबर यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड पे होते हैं, उतने ही हमारे क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट पे भी इतने और लेफ्ट पे भी इतने, ठीक है। अब देखो इसमें जेड एन सी एल टू, इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, सोल्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो चुके हैं, मेटल की मिक्सिंग हो चुकी है किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है। और हमारे जब एसिड प्लस कोई मेटल या फिर एसिड प्लस बेस जब हमारे मिक्स होते हैं तो क्या बन जाता है, सोल्ट। अब सोल्ट कैसे बनाइए, बिकॉज इसके अंदर क्या है, मतलब एसिड की प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, अब इसके अंदर से कम हो चुकी है, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। हाइड्रोजन के रिमूव होते ही किसी भी एसिड की क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज लूज, ओके, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जिंक के साथ अटैच हो गया तो ये मतलब ये किसकी किसकी प्रॉपर्टीज शो करेगा आपको, सोल्ट की। जैसे हमारा चैप्टर का नेम था एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, तो फर्स्ट हम एसिड्स रीड करेंगे, बेसिस रीड करेंगे, तो लास्ट टॉपिक में आपको पता चल जाएगा सोल्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब सिक्स प्रॉपर्टी में क्या, एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स की क्या करते हैं, कार्बोनेट्स के साथ हमारे एसिड्स रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सोल्ट। उसमें भी किसकी फॉर्मेशन होती है, हमारे सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, एंड जो हमारी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होते हैं, वहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, देखो हमने क्या लिया, फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हमारा एसिड, प्लस इसने क्या बोला कि अगर इनकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, कार्बोनेट्स के साथ, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एक मतलब हमारा कंपाउंड होता है, अगर हम उसके अंदर अंदर क्या कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड कर दें किसके अंदर, एसिड के अंदर, तो इसने क्या बोला क्या फॉर्म होगा, देखो तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसने ये बोला फॉर्म होगा। अब देखो फॉर्म कैसे होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, ठीक है, पहले हम रीड कर चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है हमारा कैल्शियम, 20 एटॉमिक नंबर होता है जिसका रीड आपको लर्न करने हैं सारे एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, सिक्स क्लास में भी राइट कराए गए हैं आपको। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा O कैपिटल आएगा, ठीक है, स्मॉल नहीं आएगा, तो CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके बाद अब देखो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 की एक हमारा यहाँ से, यहाँ पे भी हम टू मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे HCl के, बिकॉज हमें यहाँ क्या चाहिए, टू क्लोरीन चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा देखो कैल्शियम क्लोराइड, Ca हमारा कैल्शियम यहाँ से आया, क्लोराइड हमारा क्लोरीन कहाँ से आया, टू थे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद, तो कैल्शियम क्लोराइड तो हमारा यहाँ बन गया, प्लस वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, टू हाइड्रोजन इजली प्रेजेंट है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, थ्री, वो थ्री लिखा हुआ ना नीचे की साइड, मतलब कितने हैं, या आगे लिखा हो तो मतलब सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर उसके पैरों में नीचे की साइड लिखा हो तो मतलब क्या होगा, सिर्फ जिसके आगे लिखा हो, जिसके मतलब नीचे लिखा होगा पैरों में लिखा हो तो उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा वो, ठीक है। जैसे यहाँ H2O, तो मतलब हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का सिर्फ वन ही है, ठीक है, तो यहाँ से क्या चलेगा, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल चलेगा। अब यहाँ पे कितने बच गए, ऑक्सीजन के टू मॉलिक्यूल्स, अब आपको पता है, प्लस यहाँ पे क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे भी अगर लॉजिक लगा के चलो, देखो दो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन यहाँ आ चुके हैं, ठीक है, H2 में दो क्लोरीन थे, दो क्लोरीन यहाँ आ चुके हैं। अब कैल्शियम था, कैल्शियम यहाँ आ चुका है, यहाँ से CO2 था, CO3 था हमारा, ठीक है, बट इसमें से एक ऑक्सीजन आ चुका है, सिर्फ कितने रहते हैं यहाँ पे, टू ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर रिलीज, ओके। अब सेवन पॉइंट देखो, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, कि एसिड हमारे क्या करते हैं, बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, सोल्ट एंड वाटर। तो देखो हमारे सेवन्थ प्रॉपर्टीज, एसिड्स क्या ले रहे हैं हम, एसिड हम क्या ले सकते हैं, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है,
वैसे हम कोई भी ले सकते हैं प्लस, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या HCl फॉर्मूला, ठीक है, प्लस हमने क्या लिया, बेस लेना है, ठीक है, बेस है हमारा एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इनको आगे रीड करोगे जब बेसिस का टॉपिक आएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है कि बेस, क्या फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है, सोडियम का क्या होता है Na, हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा OH, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की रिएक्शन कराएं तो क्या फॉर्म होगा हमारे पास, सोल्ट। देखो वैसे तो इसको हम यहाँ राइट हैंड साइड में ही लिखते हैं एरो लगा के, बट यहाँ स्पेस नहीं है तो नीचे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ से, क्या इसका मतलब होता है, गिव्स के दोनों मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ये ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, देखो तो यहाँ से हमें मिलेगा NaCl, किस ये सोडियम हमारा किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, क्लोरीन के साथ, प्लस हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, वाटर, ठीक है। तो NaCl हमारा एक सोल्ट होता है, कॉमन सोल्ट, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सोल्ट मतलब जो आप घर में यूज़ करते हो ना सोल्ट, वो होता है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका नेम होता है, सोडियम क्लोराइड की। यहाँ से तो हमारा क्या गया, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, यहाँ से किसका फॉर्मूला, क्या किसका मॉलिक्यूल आया, सोडियम का, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है। अब देखो ये होती कैसे है, देखो फर्स्ट क्या हमारा HCl, ठीक है। अब HCl क्या होगा हमारा, मतलब एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, अब सपोज करो हमारा एक पॉजिटिव पार्ट में ब्रेक हो गया, एक किसमें हो गया, नेगेटिव पार्ट में। क्लोरीन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, ये बेसिक कराएंगे ना तब बताएंगे इसके ऊपर पॉजिटिव क्यों आता है, इसके ऊपर नेगेटिव क्यों आता है, ठीक है। तो हमेशा जो हमारा फर्स्ट एटम होता है उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और सेकेंड वाले के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेक हो गया, प्लस नेक्स्ट हमने हमने मॉलिक्यूल कौन सा लिया था, NaOH। अब हमने क्या बोला कि फर्स्ट के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज और सेकंड के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज, तो सपोज करो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, ये इसमें ब्रेक हो गया हमारा। अब देखो कि ऑलरेडी ये इसके साथ अटैच था, ये इसके साथ अटैच था, बट ये हमारे रिएक्शन में जाते ही जब हमने दोनों को डिजोल्व किया तो दोनों ने क्या कर लिया, मॉलिक्यूल्स अपने सेपरेट कर लिए, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ब्रेक हो गए आयंस में, ठीक है। आयंस बोलते हैं हम इनको जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव, मतलब कोई भी चार्ज स्पीसीज, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, यानी चार्ज स्पीसीज, यानी चार्ज स्पीसीज कि जिसके ऊपर कोई भी कोई कोई ना कोई चार्ज होता है उसको हम आयंस बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कि हमने फिर क्या किया फर्दर, कि देखो ये आयंस में डिसोसिएट हो गए, हमारे ब्रेक डाउन हो गए, अगर ये एक दूसरे के साथ मतलब कंफर्ट थे तो इन्होंने, जैसे आप क्या करते हो, आपके दो फ्रेंड है, ठीक है, चलो पहले आपका कोई और फ्रेंड था, ठीक है, दो फ्रेंड आपके, लेकिन आपके उसके साथ अब बनती नहीं है कुछ भी है, मतलब आप उसके साथ नहीं रहना चाहते चाहते, ठीक है, आपको कोई नया फ्रेंड सर्कल मिल गया उससे अच्छा, मतलब आपको उससे अच्छा फ्रेंड मिल गया, तो आप उसको क्या कर दोगे, थोड़ा सा इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, उसका साथ आप रहना पसंद नहीं करोगे, बिकॉज आपको क्या दूसरा फ्रेंड अच्छा मिल गया। तो सेम इन्हीं के केस में होता है कि ये इसके साथ था, फ्रेंड था, बट क्या हो गया, इससे इसकी दूरी बन गई, ठीक है, दूरी बन गई, इससे क्या हो गया, दूर हो गए, ठीक है। सेम इन के साथ भी ऐसा होगा, अभी इसको कोई ना कोई अच्छा मिला है, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, इसको कोई ना कोई अच्छा मिला होगा फ्रेंड, तभी तो इसने इसको छोड़ा है, तो हाइड्रोजन को क्या अच्छा मिल गया, OH। अब आपको कैसे पता चलेगा इसको क्या अच्छा मिला, अब देखो, अब आपने मैग्नेट पढ़ रखा है, ठीक है, मैग्नेट रीड कर रखे हैं, मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उसके ऊपर दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, नेगेटिव नेगेटिव में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, क्या होती है, सिर्फ रिपल्शन, यानी एक दूसरे से वो दूर जाते हैं, बट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो सेम ही निकल के इसमें रहेगा कि पॉजिटिव पार्ट किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव पार्ट किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे जब हमारा पॉजिटिव पार्ट है, हमने क्या बोला, हम पॉजिटिव को हमेशा पहले लिखते हैं, तो पॉजिटिव पार्ट हमारा है Na, और जो हमारा नेगेटिव पार्ट क्या है, Cl, तो NaCl प्लस H और OH, तो मतलब एक H यहाँ था, एक H यहाँ था, ठीक है, तो H कितने हो गए, टू, और ऑक्सीजन क्या रह गया, सिंगल। तो सेम ऐसे ही हमारी क्या होती है, रिएक्शन सारी ऐसे ही होती है, दो पार्ट्स में ब्रेक होने के बाद उनके जो कंपाउंड्स थे जिसके साथ वो पहले थे अटैच, उसको छोड़ के वो किसी और के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ एसिड्स। तो यूजेज ऑफ कुछ हमारे एसिड्स के यूजेज हैं, तो फर्स्ट देखो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन वैराइटी ऑफ
इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, डाइज एंड अदर केमिकल्स, कि सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ हमारा कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, कि फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में, डिटर्जेंट, डाई, जो डाई होती है ना, जो कलर्स कलर्स यूज करते हो, एंड कुछ अदर केमिकल्स में भी किसका यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड्स का। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कार बैटरीज, की जो कार की बैटरीज होती हैं या फिर जो आपके घर में इन्वर्टर होते हैं ना, इन्वर्टर की जो बैटरीज होती है, ठीक है, उनमें किसका यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का आता है ना, उनमें से वाइट वाइट कलर का एसिड्स बाहर आता है कई बार, तो ये कौन सा, मतलब उनके अंदर कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ स्टील, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड का HCl का यूज़ हम कहाँ करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाने में यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड क्लीनर्स बनाने में भी यूज़ होता है इसका, ये जो हमारे क्लीनर्स होते हैं ना, हार्पिक वगैरह, इसमें किसका यूज़ होता है, HCl का, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, ठीक है, बिकॉज प्लांट्स के लिए इसमें क्या आता है, HNO3 इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, HNO3, तो HNO3 है मतलब इसके अंदर क्या, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट है एक हमारा कंपाउंड जिसका यूज़ करते हैं हम किस में, फर्टिलाइजर्स बनाने में। कुछ हमारे नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है एक्सप्लोजिव्स, यानी जो बॉम्ब होते हैं, ठीक है, जो विस्फोट, जैसे हमारा जो RDX होता है, RDX जैसे जो बॉम्ब होते हैं, उनको बनाने में किसका यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड का। डाई एंड प्लास्टिक्स बनाने में किसका यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड का। प्योरीफिकेशन ऑफ गोल्ड में भी हम किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड का, कि गोल्ड हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको प्योरीफाई किसके हेल्प से बनाते हैं, हम नाइट्रिक एसिड के हेल्प से। कार्बोनिक एसिड इज़ यूज टू मेक एरिएटेड ड्रिंक्स, कि कार्बोनिक एसिड का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, कि ड्रिंक्स बनाने में, जो एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इजिली एयर जा सके, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल क्या करते हो, आप ओपन करते हो, उसके अंदर से क्या आती है, एफरवेसेंस बाहर आती है ना, आती है ना, तो मतलब उसके अंदर कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड, जिसकी वजह से एफरवेसेंस बाहर आती है। आप देखो कार्बोनिक, ये हमारी एरिएटेड ड्रिंक है, ठीक है। नेक्स्ट है, एसिटिक एसिड इज़ यूज एज विनेगर टू गिव अ श्योर टेस्ट टू फूड्स, कि फूड को शोर बनाने के लिए, टेस्ट बनाने के, टेस्टी और ज़्यादा टेस्टी हो जाए, खट्टा हो जाए वो टेस्ट में, तो उसके एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है, फूड को प्रिजर्व करके भी रखता है। सेवरल एसिड्स आर यूज इन डिस्केलिंग, या डिस्केलिंग मतलब कि रिमूव, डी का मतलब होता है रिमूवल, कि ये जो साल्ट डिपॉजिट्स फॉर्मड व्हेन वाटर इज हीटेड, कि क्या हो जाता है, कई बार हम वाटर को हीट करते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, जैसे हम सोल्टी वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जो कंटेनर्स रह जाते हैं उसमें क्या रह जाता है, नीचे सोल्ट, तो उसको रिमूव करने में किसका यूज होता है, एसिड्स का यूज होता है, कुछ एसिड्स यूज होते हैं, सच एज किटल्स एंड वाटर हीटर्स को रिमूव करने में, ठीक है, वाटर हीटर्स जो होते हैं उनसे रिमूव करने में। एस्कॉर्बिक एसिड ओकर्स नेचुरली एज विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की तरह मिलता है नेचुरली, किसमें, सिट्रस फ्रूट्स में एंड फ्रेश वेजिटेबल्स के अंदर। इट हेल्प्स टू कीप आवर स्किन एंड गम्स हेल्दी, विटामिन सी का यूज़ क्या है, कि हमारे स्किन और गम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, हीलिंग ऑफ वाउंड्स में एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ बोन एंड टीथ, की मैन्युफैक्चरिंग में, कि जो हमारे बोन और टीथ कैसे रहें स्ट्रॉन्ग, ठीक है।